तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब साहब, बात करेंगे हमारे तालीमी निज़ाम पे और स्पेशली स्पोकन इंग्लिश पे। और ये बहुत बड़ा यूथ का चैलेंज है कि हम 16 साल तालीम में इंग्लिश हर क्लास में पढ़ते हैं और ख़ास लेवल के बाद तो सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं, मगर इसके बावजूद हमारा तालीमी निज़ाम हमें इस काबिल नहीं करता कि हम अपनी रूटीन लाइफ में इंग्लिश में बातचीत कर सकें। हालांकि लोग इंग्लिश बोल भी सकते हैं, मगर हम ये सवाल करते हैं मोहम्मद तैयब साहब से कि ये आखिर क्या वजह है कि 16 साल तालीमी निज़ाम में हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर इसके बावजूद हम इंग्लिश बोल नहीं सकते रूटीन में, फ्लुएंसी में। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि हम 16 साल तालीम हासिल करते हैं, हम हर क्लास में इंग्लिश पढ़ते भी हैं, उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश स्पोकन के अतबार से कोई ख़ास तरक्की नज़र नहीं आती। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात जो करते हैं, हमें पहले ये वाजे करना चाहिए मैं क्यों सीख रहा हूँ। देखें, अगर नतीजे के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बोलना आ जाए तो फिर सीखने की चीज़ें कुछ और हैं। अगर मैं नतीजे के तौर पे ये चाहता हूँ कि मुझे लिखना आ जाए, फिर सीखने की चीज़ें कुछ और हैं। अच्छा, अगर मैंने कॉल सेंटर पे काम जो करना है और चंद तरह की बातें करनी हैं, उसके लिए चीज़ें कुछ और हैं। हम इस प्रोसेस को यूँ समझ लेते हैं कि एक छोटा बच्चा पहले पढ़ना लिखना सीखता है या पहले बोलना सीखता है, यानी उसने उर्दू सीखी है या उसने पंजाबी सीखी है तो वो पहले बोला है, उसके बाद वो स्कूल गया है। पर अगर हम गौर करें तो वो बोलने से पहले उसने सुना है। यानी अगर एक बच्चा पैदा हो गया है तो उसको दाएं बाएं आवाज़ें आ रही थी, वो उन आवाज़ों को सुन रहा था, वो टेंस नहीं सीख रहा था, वो ग्रामर भी नहीं सीख रहा था, वो वोकेबलरी के रट्टे भी नहीं लगा रहा था, वो कॉन्शियस भी नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था कि आने वाली लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश है, उसको ये भी नहीं पता था कि यह पंजाबी का लफ्ज़ है। आप उसे 10 सुनवा लेते ना, वो 10 बोल लेता। आपने उसे 2 सुनवाई हैं, पंजाबी भी उर्दू भी, वो दोनों बोल रहा है। जब हम सारी हिदायत उर्दू में दे रहे हैं इंग्लिश के बारे में या सारी हिदायत पंजाबी में दे रहे हैं, तो मुस्तकिल तौर पे वो सुनी जा रहा है उर्दू और पंजाबी। यानी हमें यह देखना चाहिए कि मुकम्मल तालीमी निज़ाम में इंग्लिश सुनने का कितना वक्त मिला है। आपने 16 साल तालीम में इंग्लिश सुनी कब है? आपकी किताब इंग्लिश में थी जो उर्दू में पढ़ाई गई, आपकी किताब इंग्लिश में थी जिस पे उर्दू में डिस्कशन की गई, आपकी किताब पढ़ी गई है, सुनी थोड़ी ना गई है, आपकी किताब पढ़ाई गई है, सुनवाई थोड़ी ना गई है। यानी जब लिसनिंग एक्सपोजर के तौर पे है ही नहीं तो बोलना मुमकिन नहीं। यानी एक बड़ा वाज़े सवाल है, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैंने इस 16 साल तालीम में इंग्लिश सुनी है, कितने घंटे सुनी है, कहाँ से सुनी है, कितनी देर एक्सपोजर लिया है? जब मैंने फिल्में सारी हिंदी में देखी हैं, जब मैंने लेक्चर सारे उर्दू में सुने हैं, और जब मैंने ड्रामे सारे उर्दू में देखे हैं, जब दोस्त मेरे सारे पंजाबी और उर्दू जो बोलते हैं, मुझे इंग्लिश क्यों आएगी? यानी सवाल ये नहीं है मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आ रही। हमारा तालीमी निज़ाम का क्या ये मकसद है कि हम बोलने के काबिल हो जाएं? अगर उसका ये मकसद है तो उसमें लिसनिंग का एक्सपोजर होना चाहिए, जिस तरह के कुछ स्कूल आप करते हैं। अच्छा, उस पूरे तालीमी निज़ाम में आप पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने का इतना हाथ बोलने में नहीं है जितना कि सुनने में है। यानी मिसाल के तौर पे आप उर्दू पढ़ी लिखी बाद में है, बोलना पहले शुरू कर दी थी आपने, पंजाबी शायद पढ़ी लिखी ही ना हो। यानी मैंने पंजाबी में एक किताब भी नहीं पढ़ी और मैंने पंजाबी में कोई किताब पढ़ाई भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई के बगैर जो पंजाबी में बहाव है वो उर्दू इंग्लिश में आता है नहीं? क्या पंजाबी आसान है और इंग्लिश मुश्किल है? ऐसा नहीं है, आसान मुश्किल नहीं होता, होता यह है कि आपने किस लैंग्वेज का एक्सपोजर लिया है। देखें, जब बोलना आता सुनने से है, यानी सुनने के नतीजे में इंसान इंग्लिश में सोचता है, सोचने के नतीजे में डायरेक्टली बोलता ही इंग्लिश में है। जब हर वक्त आप जहन में ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू में, आपके जहन को अजियत होगी। आप एक ऐसे प्रोसेस पर लग गए हैं जो कुदरती नहीं है और गैर फितरी कामों के गैर फितरी अंजाम आते हैं, क्योंकि तरीका गैर फितरी है ये सीखने का कि मैं जी पढ़ लिख के सीखूंगा, तो इसका नतीजा भी फिर वो नहीं आया जो हमें चाहिए था। अब यूँ सेट कर लें कि अगर ये नतीजा मुझे चाहिए कि मुझे बोलना आ जाए, तो मुझे जो इनपुट चाहिए ख़ास तौर पे वो ये है कि मैं सुनता हूँ कि नहीं। आपने चलना जो सीखा है प्रैक्टिस के साथ, एक्सपोजर के साथ, बार बार लगे रहे हैं, यानी हम इन्हें कहें कि आप बोलना शुरू कर दें या आप सुनना शुरू कर दें, वो कहें पहले हम पढ़ लिख लें फिर सुनेंगे, तो आपने उर्दू में पहले क्यों नहीं पढ़ा लिखा? जब आपने पहाड़ सीखा था तो आपने ये क्यों नहीं पूछा इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अब माउंटेन की बारी आप कहते हैं कि इसकी उर्दू क्या है। ज़रूरत है जहाँ पर वहाँ इस्तेमाल हो भी सकती है, वो वाला आइडियल माहौल नहीं है, लेकिन हमारा पैराडाइम ही इंग्लिश के बारे में
दुरुस्त नहीं है। इल्म एक अलग चीज़ है, इंग्लिश का इल्म वो तो उर्दू में भी डिलीवर किया जा सकता है जैसा कि हम करते भी हैं। यानी आप देखें, हम इंग्लिश के मौजू पे उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक बात है, दुरुस्त बात है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन क्या इसके नतीजे में इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी? नहीं। इसके नतीजे में मैप वाजे हो जाएगा, इसके नतीजे में तरीकाकार वाजे हो जाएगा। अब अगर इनको इंग्लिश सीखनी है तो अपनी इनपुट में लिसनिंग को ले आएं। देखें, अगर आप फिल्म के थ्रू सीखते हैं तो आप इंग्लिश में फिल्म देख सकते हैं, आप स्पीचेस सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, कन्वर्सेशन सुन सकते हैं, इंटरेक्शंस देख सकते हैं। बहुत सारी अकसाम का डेटा इस वक्त मौजूद है। बहुत गिला आपको सुनने को मिलेगा, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। ठीक है यार, माहौल नहीं है तो क्या फिर आप इस पर राजी हैं कि फिर हम नहीं सीखेंगे अगर माहौल नहीं है तो?